मुमताज खान है। तो बताएंगे कि आज आपने यहाँ पंचायती जो थर्ड फेस है इलेक्शन का, यहाँ पे आपने वोट पोल किया, कितनी आपकी उम्र है और आप क्या कहेंगे वोट पोल करके? जी वोट बहुत अच्छा पड़ा है। जी जी जी, तो आप क्या कहेंगे जो यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? और बहुत अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं सर। जी, गवर्नर साहब का कैसा डिसीजन है जो पंचायती इंतखाबात करवा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो कितना अरसा से आप वोट पोल कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र तकरीबन 60 के करीब है। जी जी जी, तो आपने वोट पोल किया? जी जी, मैंने वोट पोल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और इनके हिसाब से और हम कुर्बानी देने को तैयार है। शुक्रिया जी। सब जो आपके यहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो आप क्या कहेंगे जो पंचायती राज एक्ट हॉनरेबल गवर्नर साहब ने पंचायती इंतखाबात कराया, इसके हवाले से आप लोगों को इस पंचायत का क्या क्या बेनिफिट है? जी जी, वोट पोलिंग जो हो रही है वो तो पूरा मन तरीके से पोलिंग हो रही है जी, और ये बहुत शांति वाला इलाका है, इंशाल्लाह ऐसी कोई गड़बड़ का मसला भी नहीं है, और ऐसा पुरअमन से सब लोग जो पोलिंग में आ रहे हैं और पोलिंग आराम से और शांति से हो रही है। तो आप क्या कहेंगे जो गवर्नर साहब ने यहाँ पे डिसीजन लिया कि जो पंचायत इंतखाब करवा रहे हैं, जैसे आगे असेंबली के इंतखाब आ रहे हैं, तो इसका हवाले से भी आप क्या कहेंगे जो लोग आप यहाँ के लोगों के काम डेवलपमेंट के काम होंगे, जो लोग जीतेंगे वाले भी जो इस तरह के लोग जीतेंगे इंशाल्लाह काम कराएंगे, डेवलपमेंट गाँव की और पंचायत की डेवलपमेंट होगी, और ऐसे ऐसे हमने अच्छे अच्छे लोग चुने हैं जो कि डेवलपमेंट करेंगे। थैंक यू जी। आपका नाम? शौकत अली सर। हाँ बताएंगे आप कितनी आपकी उम्र है और आप क्या कहेंगे जो यहाँ पे आपके वोटिंग हो रही है? सर मेरी एज स्टेन सर 30 से सर अबो है, और यहाँ पे जो सर इलेक्शन इस टाइम जो सर वोटिंग डाल रही है जा रही है सर, वो अच्छे मतलब बहुत सुकून के साथ बहुत इत्मीनान के साथ जो है वोटिंग यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे जो हमारी आवाम जो लोग हैं हमारे, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अच्छी किरदार में अच्छी मतलब यहाँ पे रूज में जो अपने रो में आ रहे हैं और बहुत इत्मीनान के साथ अपना जो है वोट जो है वो डाल रहे हैं। तो आप एक यंग भी हैं और आप क्या कहेंगे यूथ्स को, आप क्या कहेंगे जो वोट अपना हक है उनका वोट डालने का, क्या सर? ये तो हमारा हक है क्योंकि ये हमारी जमहूरियत तभी बढ़ सकती है, हमारा जो है हमारी हुकूमत भी आगे जा सकती है, हम तब भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारी जब यूथ जो है यूनियन इज स्ट्रेंथ, क्योंकि अब हम इत्तेफाक के साथ अपना जो वोट जो है वो अच्छे तरीके से डालेंगे और हमारा ये है एक हक है सर। आपका नाम? तो आपने वोट पोल किया यहाँ पे, तो किस तरह आपको लगा, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पोलिंग चल रही है, तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे इधर इलाके में भी हमारे गांव में अच्छी पोलिंग हो रही है, और हमें भी बहुत खुशी है, हम भी खुश हैं कि इधर हमें पंचायत अपनी होनी चाहिए और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए और पोलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो कितने अरसा से आप यहाँ पे वोट पोल कर रहे हैं, जैसे पंचायती इलेक्शन के वोट पोल? मेरी शादी को 15 साल हो गए जी, तो मैंने 3-4 बार इधर पोलिंग की। बहुत अच्छी। असल बताएंगे कि जो आप खुद यहाँ पे आपने विजिट किया है पोलिंग स्टेशन पे, आप यहाँ के ऑफिसर हैं, बताएंगे अपना नाम चम क्या है? ये पंचायत केनू कलानी, इसकी 7 वार्ड हैं और मैं मोहम्मद फरीद एआरओ एसिस्टेंट रिटर्निंग अफसर पंचायत केनू कलानी। यहाँ मैंने सुबह से, ये मेरा 4th स्टेशन है जो मैंने विजिट किया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, लोगों का कोऑपरेशन अच्छा मिल रहा है, स्टाफ के साथ भी कोऑपरेशन कर रहे हैं और वोटिंग जो है पूरा मुद्दे तरीके से चल रही है। तो इस वक्त तक जो वोट पोल हुआ वगैरह कर हर स्टेशन पर आपने विजिट किया है, तो किस तरीके से जैसे सेंसिटिव नहीं, जहाँ तक सेंसिटिव और ना की बात है, वहाँ पर अभी तक ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है कि कोई स्टेशन कोई सेंसिटिव चल रहा है कुछ, बड़े पुरमन तरीके से चल रहा है और अच्छे तरीके से, मुझे लगता है ये कोई कहीं 20 वोट पोल हुए हैं, कहीं पे 35 वोट पोल हुए हैं, तो बड़ा साफ और शफाफ तरीके से ये सारा चल रहा है, सभी लोग बड़े जोश और खरोश से पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं और अपने वोट का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सर।